परमियबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन से क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकती हैं, इम्पोर्ट हो सकती हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग वो होता है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग परमेबिलिटी होती है, जो मतलब कि एक तरह से परमेबिलिटी मतलब पास आउट करना, मतलब किसी चीज़ को पास आउट करना, किसी को नहीं करना। तो परमेबिलिटी भी कई तरह की होती है, एंट्री और एग्जिट परमिट करती है, ठीक है, तो उसे परमेबिलिटी कहते हैं। और द फॉरेन सब्सटेंसेस लाइक गैसेज एंड वाटर, तो ये परमेबिलिटी जो है चार तरह की होती है मेम्ब्रेन पर मी ए बल। मेम्ब्रेन परमेबल मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या करेगी, सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों के लिए परमेबल होगी। ठीक है, जैसे लिग्नी फाइड सेल वॉल, लिग्निफाइड हो जाती है सेल वॉल तो वो हर चीज के लिए परमेबल हो जाती है। ठीक है, लिग्निन जब उसमें जम जाता है। और सेलुलोज की नंबर दो है सेलेक्टिव सेमी परमीएबल। ये कुछ चीज़ों के लिए तो परमेबल होती है और कुछ चीज़ों के लिए नहीं होती है ना। ये सोल्यूट जो होता है उसको तो नहीं पास करती और सोलवेंट को कर देती है, ये होगी सेमी परमेबल। ठीक है, नंबर तीन है ये पार्चामेंट ई जी नंबर तीन है सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमेबल मैंने क्या करते हैं, स्पेसिफिक सोल्यूट को परमिट करती है, स्पेसिफिक पार्टिकल को परमिट करती है, सबको नहीं जाने देती है, कुछ को रोक लेती है, कुछ को जाने देती है। जो उसकी फायदे का सामान होगा उसको अंदर, जो नहीं होगा उसको बाहर। जैसे आप लोग करते हैं, कोई जानकार आ उसको अंदर बिठाते हैं, कोई अनजान आया तो उसको बाहर रखते हैं, ऐसे ये करती है। ठीक है, अननोन पर्सन गेट आउट, नोन पर्सन कम इन, जिससे जरूरत हो। जब अपने रिलेटिव्स को आप अंदर करते हो, दोस्तों को अंदर करते हो, ऐसे ही करती है। ठीक है, ये हो गया नंबर चार होगी, ये होगी है और होगी इन पर मी एबल। ये कुछ नहीं करती, कुछ काम नहीं है इसका, ना तो है किसी को नहीं करती है, ना सोलवेंट को ना सोल्यूट को, किसी को नहीं करती है। क्यूटिनाइट सेल वॉल, क्यूटिन जम जाता है इसमें, सबनाइट सेल वॉल, ये हो गया आपका। ठीक है, परमेबल सोल्यूट दोनों को भेज देगी, सेमी परमेबल सोल्यूट को भेज देगी, सोलवेंट को भेज, सेलेक्टिव परमेबल ये सोल्यूट उसे भेजेगी, कुछ सेलेक्टिव होंगे, इम्परमेबल किसी को नहीं भेजेगी। अगला है टॉपिक इसी में ही, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन।
मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या होता है? नंबर एक होता है ट्रांसपोर्टेशन मेम्ब्रेन का, ऑर्गेनली में मेम्ब्रेन में फिजिकली बाउंड्री ऑर्गेनली साइटोप्लाज्म बिटवीन सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या करते हैं, ये अंदर बाहर प्लाज मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये सब आपको मैंने पढ़ा दिया, बता दिया, पहले वाले चैप्टरों में पढ़ाया, आप मेरे पिछले उसमें जाके देख सकते हैं कि मैंने आपको किस तरह बताया कि ये सब चीज़ें है ना इनके बारे में। अब है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें ATP एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है ना। सबस्टेंस का मूवमेंट तो होगा, मूवमेंट होगा एक डायरेक्शन से दूसरे पर नहीं होगा। नंबर दो, इसमें नंबर एक है पैसिव में, फर्स्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? ये मेनली गैसेज में होता है। ये हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर का मूवमेंट, जब तक कि दोनों की कंसेंट्रेशन बराबर ना हो जाए, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, मान लो एक जार खाली है, उसके ऊपर आपने एक जार भरा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का रख दिया। अब वो जार भी खाली नहीं था, उसके अंदर भी एयर थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर बढ़ती रहेगी। जब दोनों में लेवल बराबर हो जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह से जब आपने एक ये हमने लिया एक फ्लूड, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट डाला, क्रिस्टल डाले, ये धीरे 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 फैल जाएंगे सारे में, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना। कॉपर सल्फेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये डिफ्यूज हो गया, डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, और आप डिफ्यूजन का और देख सकते हैं, हमने ये लिया, इसमें क्रिस्टल डाला है, ये क्रिस्टल डाला तो ये धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स में और मॉलिक्यूल्स में बढ़ जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये डिफ्यूजन हो गया इसका। ठीक है, मेनली डिफ्यूजन क्या करते हैं, डिफ्यूजन में किस लिए होता है, ये गैसेज का पासेज होता है। ठीक है, गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ चलती है। मान लें सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा भरगी तो वो बाहर निकल जाएगी, और बाहर से जो ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है अंदर, अगर ऑक्सीजन सेल के अंदर कम होगी तो बाहर से अंदर आएगी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, हायर से लोअर की ओर चलेगी डिफ्यूजन। हमें तो जाना करा, जब बोले इम्पोर्टेंट रोल ट्रांसपोर्टर सबस्टेंस सपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के अलावा नहीं चलेगा, सेल मेम्ब्रेन जरूरी है इसके अंदर। और प्लांट टिश्यू मॉइस्ट होना जरूरी है, मॉइस्ट होगा तो कोई डिफ्यूजन नहीं होगा। ट्रांसपीरेशन इज ए डिफ्यूजन प्रोसेस, ट्रांसपीरेशन भी जो है वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस ही है। गैस एक्सचेंज होता है एयर एंड सेल के थ्रू। एरोमा ऑफ फ्लावर आपने देखा होगा, खुशबू फूलों की फैल जाती है, रात की रानी खुशबू आपके, हाँ गुलाबी खुशबू आ रही है बाग में से ही आ रही है, तो वो क्या है, वो ये डिफ्यूजन ही है। आप अगरबत्ती जलाओ पूरे कमरे में फैल जाएगी, वो भी डिफ्यूजन है, तो ये डिफ्यूजन है ऑस्मोसिस। अभी डिफ्यूजन में तो कोई उसकी ज़रूरत नहीं थी, अब ये नंबर दो है ऑस्मोसिस, ये पैसिव डिफ्यूजन का ही सेकेंड पार्ट है इसका, इसका ही सेकेंड है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन, फर्स्ट था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में SPM की जरूरत पड़ती है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू होगा, इसके थ्रू पासिव होगा। ये वाटर लिया आपने, ये वाटर का कंसेंट्रेशन याद है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया NaCl का, तो वाटर इधर की तरफ जाएगा, इधर भी आ सकता है थोड़ा बहुत, इधर ज़्यादा जाएगा, लेकिन क्या इसमें एक प्रेशर पड़ता है जिसको ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये हाइड्रोलिक प्रेशर से अलग होता है, कहीं से हाइड्रोलिक प्रेशर समझ लो,
उसमें से प्रेशर पड़ता है जिससे जिसके थ्रू ये मेम्ब्रेन से इधर जाते रहते हैं, और जब इनका दोनों का वो कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो उसमें से रुक जाएगा, उसमें से फिर नहीं होगा। ये SPM है ना, ये बीच में मैंने SPM बनाई है, ये वाटर सोल्यूशन हो गया, ठीक है। ब्लैडर जो होता है उसमें होता है ये ऑस्मोसिस, ठीक है, फिश के ब्लैडर में एग मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस भी दो तीन चार प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। अब हमने एक सेल को डाला आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, एक डाला हाइपर टोनिक सॉल्यूशन में, एक डाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपर में डाला तो सेल सिंक हो जाएगी, आइसोटोनिक में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेल एज इट ही रहेगी, और इसमें डाला तो ये मतलब यहाँ पे वाटर के कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है तो वाटर अंदर जाएगा तो ये सेल फूल जाएगी, यहाँ पे दोनों तरफ बराबर है तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी बॉडी को भी जो नॉर्मल रखने के लिए नॉर्मल सलाइन की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल सलाइन वाटर चढ़ाते हैं हम ताकि स्वेलिंग वगैरह ख़त्म हो जाए, स्वेलिंग वगैरह ये स्वेलिंग आ जाती है ह्यूमन सेल में, जब वाटर चला जाता ज़्यादा तो स्वेलिंग आ जाती है, और वो रप्चर भी हो सकती है, सेल वाल रप्चर भी हो सकती है, इसे प्लाज्मो लाइट कहते हैं, ये नॉर्मल है, फ्लेसिड कहते हैं, ये टर्जिड, ठीक है। आप ये देखिए, मैंने आपको बता दिया सब, ठीक है। एनिमल सेल जो है ये तो रप्चर हो जाती है, और ये प्लांट सेल नहीं होती क्योंकि उसके अंदर सेल वाल होती है, वो सेल वाल काय की होती है आपके रिजिड सेल वाल होती है, और एनिमल में सेल वाल नहीं होती तो होती है उसके अंदर। अब दो प्रकार का होता है, एंडोस्मोसिस जो अंदर अंदर की तरफ चलता है बाहर से पानी, सेल वाल बाहर गया है, हाइपो सॉल्यूशन है अंदर हाइपर है, तो लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर चलेगा, वाटर बाहर जाता तो सेल के अंदर जाएगा तो वो एंडोस्मोसिस है, अंदर जा रहा है, अगर सेल से बाहर निकल रहा है तो एग्जोस्मोसिस है, ठीक है। जो एनिमल सेल एरिथ्रोसाइट्स वगैरह बस्ट हो जाती है अगर पानी ज़्यादा क्वांटिटी में ये खींच लें तो ये बस्ट हो जाती है, RBC एरिथ्रोमाइसिन वगैरह ये सब ब्लड सेल्स जो है। एग्जोमोसिस विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम वैक्यूल एंड सेल थ्रिंक प्लाज्मोलाइज हो जाएगी, ठीक है, जो वाटर को बाहर कर देगी तो सुखड़ जाएगी, वाटर लेगी तो फूल जाएगी, एंडोस्मोसिस और उसको कहते हैं एग्जोस्मोसिस, दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। और सेल अगर स्वेल होती है तो टर्जिडिटी कहते हैं, श्रिंक होती है तो प्लाज्मोलाइट कहते हैं, एजिटी रहती है तो फ्लेसिड कहते हैं, ठीक है, तीनों ये भी मैंने आपको बता दिए, क्लियर। और जो है क्या कहते हैं RBC जो है अगर 9% सोडियम क्लोराइड 5% ग्लूकोज में रखी जाए तो ग्लूकोज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वाटर का नो मूवमेंट होगा, नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर अगर सेम होगा, बट
अगर हम सेम उसमें रखेंगे तो कोई वो नहीं होगा, अगर मतलब दोनों का वो सेम है, जैसे नॉर्मल सलाइन सेल के दोनों ओर होता है तो इस तरह से होगा, मतलब कि अगर वो कंसंट्रेशन सेम होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम सब कुछ चेक करके जब भी देखते हैं फूड क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना, तो वाटर जो है उसकी सेल की वो साइज वही का वही रहेगा। अगर उसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9% सोडियम क्लोराइड और 5% ग्लूकोज, ये भी आइसोटोनिक होते हैं ह्यूमन इथ्रोसाइट के लिए, RBC के लिए 5% ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना, और 9.9% नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं जब पानी की कमी आती है, तो वो आइसोटोनिक होते हैं। तो इथ्रोसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, RBC वैसे की वैसी रहती है, नहीं तो टूट जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, मौसमोसिस वगैरह मैंने आपको बता दिया जैसा लगा मुझे बताना, मुझे आप लोग ट्राई करना मेरी और वीडियो पर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।